नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। शिवसेना वाकई बाबर सेना हो गई है। एक रिटायर्ड नेवी ऑफिसर ने एक व्हाट्सएप कार्टून शेयर किया और उद्धव ठाकरे के गुंडों ने उन पर हमला कर दिया। ना उम्र का लिहाज किया, ना ये सोचा कि वो एक वेटरन है, सेना में सेवा दे चुके हैं। लात घूंसे डंडे जैसे मनाया वैसे पीटा, कोई मदद के लिए भी नहीं पहुंचा। वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन बाबर की सेना ने उनकी एक ना सुनी। लेकिन ये तो अधूरी कहानी है। इससे शर्मनाक वाकया तो इसके बाद हुआ। गुंडे के हाथों पीटे जाने के बाद वो घर पहुंचे तो पीछे पीछे पुलिस आ गई उन्हें गिरफ्तार करने। ऐसा लगता है कि मुंबई पुलिस गुंडों से आदेश लेती है और खुद वर्दी वाले गुंडे की तरह आम नागरिकों पर अत्याचार करने की ड्यूटी पर तैनात की गई है। नेवी ऑफिसर डर गए, वो घर से बाहर नहीं निकले तो इन कायर पुलिस वालों ने उनकी बेटी को पकड़ लिया और पूछने लगे कि क्या इस परिवार का रिश्ता बीजेपी या आरएसएस से तो नहीं। उद्धव ठाकरे और उसके गुंडों ने नीचता की हद पार कर दी है। जो गुंडे मारपीट करने आए थे वो मारपीट करते वक्त ये कह रहे थे कि ये बीजेपी वाला है मारो, ये आरएसएस वाला है मारो, और इसी बात को कंफर्म करने के लिए पुलिस वाले पीछे पीछे घर भेजे गए थे। रिटायर्ड नेवी ऑफिसर को बचाने जब कॉलोनी के लोग आए तो ये बाबर की कायर सेना दुम दबाकर भाग गई। लेकिन इन मूर्खों को पता नहीं था कि उनकी करतूत सीसीटीवी में कैद हो चुकी है। उद्धव ठाकरे ने तो वाकई कमाल कर दिया है। जिस कायरता का परिचय दिया है वो इतिहास में दर्ज होगा। पहले एक अकेली लड़की के घर पर बुलडोजर चला दिया, धमकी दी और अपने अखबार में लिख दिया, उखाड़ दिया, और अब एक रिटायर्ड नेवी ऑफिसर एक सीनियर सिटीजन को पीटने अपने गुंडों को भेज दिया। ऐसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे की इस समय हालत एक पागल सांड जैसी हो गई है। सत्ता पाने के लिए उद्धव ने शिवसेना की विचारधारा में आग लगा दी, हिंदुत्व की बलि देकर सेक्युलरिज्म का लबादा ओढ़ा और सुशांत की मौत के मामले के बाद अब कंगना से पंगा लेकर उन्होंने अपना राजनीतिक करियर ही दांव पर लगा दिया। जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी वो रिपब्लिक टीवी के रिपोर्टर को गिरफ्तार करके पूरी कर दी। शिवसेना का गुंडा राज आज पूरा देश नहीं बल्कि दुनिया देख रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि उद्धव सरकार को लग रहा होगा कि वो गुंडागर्दी दिखाकर खुद को मजबूत और ताकतवर दिखा रही है, लेकिन असलियत यह है कि शिव सैनिकों की ये ओछी हरकतें उनकी ओछी राजनीति और नौसिखिएपन को जग जाहिर कर रही है। बाला साहब ठाकरे की विरासत की जो धज्जियां उद्धव ठाकरे ने उड़ाई हैं, उससे पूरी शिवसेना की साख खराब हुई है। बाला साहब को हमेशा मुंबई का शेर कहा गया, लेकिन आज उनका बेटा जिससे लड़ रहा है लोग उसे शेर नहीं कह रहे हैं और उनके बेटे को कायर। कंगना रनावत से उद्धव की लड़ाई में ऐसा लग रहा है जैसे कंगना एक मंझी हुई राजनेता है और उद्धव एक नौसूखे टुचपुंजिए से नेता है। कंगना रनावत ने उद्धव ठाकरे पर वो दांव चला है कि उद्धव तिलमिला जाएंगे, इतना तिलमिलाएंगे जितना वो कंगना के तू तड़ाक कर उनसे बात करने पर नहीं तिलमिलाए होंगे। कंगना ने उद्धव से वो छीन लिया जिसे वो अपना अस्तित्व मानते थे, जिसके सहारे उद्धव को राजनीतिक पहचान मिली। कंगना ने उद्धव से उनके ठाकरे होने का मान छीन लिया। जी हां, उद्धव आज जिन बाला साहब ठाकरे के नाम पर राजनीति में है, कंगना अब उन्हीं बाला साहब ठाकरे को अपना फेवरेट और आदर्श बताकर उद्धव पर निशाना साध रही है। कंगना ने बाला साहब को अपना फेवरेट आइकॉन बता दिया है। कंगना ने बाला साहब का एक वीडियो ट्वीट करके कहा है कि ग्रेट बाला साहब ठाकरे मेरे फेवरेट आइकन्स में से एक हैं। उनका सबसे बड़ा डर था कि शिवसेना किसी दिन गठबंधन कर लेगी और कांग्रेस बन जाएगी। मैं जानना चाहती हूं कि अपनी पार्टी की ये दशा देखकर उनको आज क्या महसूस हो रहा होगा। उद्धव ठाकरे भले ही कंगना के इस एक्शन को फिल्मी समझें, लेकिन अगर शिवसैनिकों को बाला साहेब ठाकरे के आदर्श कहीं और नजर आएंगे तो क्या वो उद्धव के साथ खड़े रहेंगे? समझने वाले समझ गए हैं कि कंगना ने ये तीर किसे निशाना बनाकर लगाया है। उद्धव ठाकरे ने उस कांग्रेस पार्टी से हाथ मिलाकर सरकार बनाई है जिसके बाला साहब ठाकरे ताउम्र धुर विरोधी रहे। शिवसेना का मान सम्मान हमेशा बाला साहब ठाकरे और उनके आदर्श रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे के इस सत्ता लोलुप गठबंधन को शिवसैनिक खून के घूंट पीकर सह गए। पर अब जो भद्द पार्टी की उड़ रही है, इसके बाद उद्धव के लिए अपने कार्यकर्ताओं को संभालना शायद मुश्किल हो जाए।
वो उद्धव ठाकरे जिनकी एकमात्र पहचान राजनीति में बाला साहेब ठाकरे का बेटा होना थी, इसी वजह से वो शिवसेना के प्रमुख बने। सिर्फ बाला साहेब का बेटा होने के नाते सारे शिवसैनिकों ने उद्धव को अपना नेता माना। आज वही बाला साहेब ठाकरे उद्धव की सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी कंगना के लिए आदर्श है और उद्धव जैसे उन्हें भूल चुके हैं। उद्धव उन लोगों के साथ सत्ता की मलाई चाट रहे हैं जिन्हें बाला साहेब ठाकरे आजीवन गरियाते रहे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जिन्हें इस वक्त अपने प्रदेश में फैल रहे कोरोना जैसी महामारी से निपटना था, जिन्हें मुंबई में चल रहे ड्रग रैकेट के खिलाफ खड़े होना था, उनका स्तर यह है कि वो एक फिल्म एक्ट्रेस से तूतू मैमे कर रहे हैं, देश के एक चैनल के रिपोर्टर को फर्जी केस में गिरफ्तार करवा रहे हैं, जिनके नेता सड़क छाप गुंडों जैसा बर्ताव कर रहे हैं, एक हीरोइन के घर को तोड़वा रहे हैं जिनकी पार्टी की मैगजीन तक में छिछोरी भाषा में हेडिंग्स लिखी जाती हैं। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि जिस कांग्रेस और एनसीपी के दम पर उन्होंने बीजेपी को धोखा देकर सरकार बनाई, वो ही इनके साथ खड़ी नहीं दिख रही। एक तरफ शरद पवार ने साफ कह दिया कि कंगना मामले से उनकी पार्टी के लोग दूर रहे, वहीं सोनिया खेमे में तो एक लंबी खामोशी है, जैसे उन्हें पता ही नहीं है कि मुंबई में हो क्या रहा है। कांग्रेस भले ही चुप है, लेकिन कंगना ने कांग्रेस को ललकारा है। कंगना ने सोनिया गांधी के लिए भी ट्वीट किया है कि एक महिला होने के नाते क्या उन्हें तकलीफ नहीं होती कि कंगना के साथ महाराष्ट्र सरकार ऐसा सलूक कर रही है। कंगना ने सवाल किया कि क्या आप अपनी पार्टी से नहीं कह सकती कि वो संविधान के सिद्धांतों को बनाए रखे जो हमें डॉक्टर अंबेडकर ने दिए थे। कंगना ने सोनिया को एक और ट्वीट किया जिसमें लिखा, आप पश्चिमी देश में पली बढ़ी हैं और यहां भारत में रह रही हैं। इतिहास आपकी चुप्पी और भेदभाव को देखेगा जब आपकी खुद की सरकार महिलाओं को प्रताड़ित कर रही थी और कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। आशा करती हूं कि आप इसमें दखल देंगी। कंगना का उद्धव और सोनिया पर एक साथ वार करना बताता है कि वो अपनी कथनी को करनी में बदलने की ठान चुकी हैं। कंगना ने मुंबई में अपना घर तोड़े जाने के बाद उद्धव को खुली चुनौती दी थी कि मेरा घर टूटा है, तेरा घमंड टूटेगा। कंगना ने सबसे पहला वार किया है बाला साहेब को अपना आदर्श बनाया, जिस पर उद्धव ठाकरे को काफी घमंड है। फिर कंगना ने एक महिला के साथ हुई बदसलूकी के लिए उस कांग्रेस पार्टी को ललकारा जिसकी अध्यक्ष एक महिला है। अब सोनिया गांधी खामोश रहेंगी तो सवाल उठेंगे और कुछ बोलेंगी तो गठबंधन में गांठें पड़ जाएंगी। सवाल यह है कि उद्धव आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं। मामला सुशांत की मौत से शुरू हुआ था, अब यह सवाल आज तक बना हुआ है कि सुशांत की मौत की जांच में ऐसा क्या था कि शिवसेना ने अपनी पूरी इज्जत दांव पर लगा दी। अगर मुंबई पुलिस पर जांच को लेकर सवाल उठे थे तो महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश कर अपना दामन बेदाग रख सकती थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट तक एड़ी चोटी का जोर लगा दिया जिससे ये केस सीबीआई को ट्रांसफर ना हो सके। कंगना ने सुशांत की मौत पर जब खुलकर बोला तो उद्धव सरकार उसके खिलाफ क्यों हो गई। कंगना ने जब बॉलीवुड के ड्रग माफिया की पोल खोलने की धमकी दी, फिर तो ऐसा लगा जैसे उद्धव सरकार की कलई खोलने की धमकी दे दी हो। शिवसेना के नेता से लेकर मुंबई पुलिस तक मानो कंगना से बदला लेने पर उतारू हो गए हों। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने तो कंगना पर किए भद्दे ट्वीट्स लाइक करके अपनी बेशर्मी का प्रदर्शन तक किया, लेकिन जब कंगना ने इस पर आपत्ति जताई तो उद्धव सरकार के नेता बदतमीजी पर उतर आए। संजय राउत ने तो कंगना को मुंबई न आने की धमकी तक दे दी, जिस पर कंगना ने ट्वीट किया कि क्या मुंबई पीओके है। लेकिन संजय राउत को कंगना के मुंबई आने से दिक्कत क्या सिर्फ इसलिए है कि उसने मुंबई पुलिस पर सवाल उठाए, या फिर बॉलीवुड के ड्रग माफिया का खुलासा करने की धमकी जो कंगना ने दी है उससे उन्हें तकलीफ है। संजय राउत ने तो मर्यादा की सारी हदें पार करके कंगना को हरामखोर जैसे शब्द भी बोले, जिस पर बाद में उन्होंने मूर्खों जैसी सफाई दी कि मराठी में हरामखोर का मतलब नॉटी होता है। संजय राउत की नॉटीनेस यहीं खत्म नहीं हुई, कंगना के मुंबई आने से पहले ही तमाशा खड़ा कर दिया गया। सड़कों पर महिला कार्यकर्ताओं से कंगना की फोटो पर चप्पलें पड़वाई, बीएमसी को भेजकर उनके घर पर बुलडोजर चलवा दिए। कंगना ने वीडियो जारी कर नाराजगी जताई तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई और अब एक नेवी ऑफिसर के साथ मारपीट की गई है। उद्धव ठाकरे वो हरकतें कर रहे हैं जिससे वो ना तो सरकार में रह पाएंगे, ना ही चुनाव जीत पाएंगे और ना ही राजनीति करने लायक बचेंगे। उद्धव ठाकरे की इन्हीं कायर और शर्मनाक हरकतों की वजह से साधु समाज अब उनसे नाराज हो गया है।
पालघर के बाद इनकी गुंडागर्दी देखकर अयोध्या के सारे संतों ने यह ऐलान कर दिया है कि अयोध्या में उद्धव ठाकरे का स्वागत नहीं होगा। अब ये देखिए कैसी अजीब विडंबना है कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का बेटा साधु संतों की नजरों में इस हद तक गिर गया है कि वो उसे अयोध्या में निषेध कर रहे हैं, आने नहीं दे रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि जो राम का नहीं हो सका वो हिंदुस्तान या महाराष्ट्र का क्या होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।